पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह डीजी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। हमारी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विगत एक वर्ष में आरक्षी पुलिस के 49,568 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें से 14,000 रिक्रूटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण 6 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित पदों पर 1,292 कर्मिकों को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस में 685 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, 14,000 आरक्षी पुलिस, तालिपिक संवर्ग के 154 पदों पर सीधी भर्ती के साथ साथ मृतक आश्रित के रूप में 81 विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए कुल 14,920 शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को सेवायोजन प्रदान किया गया है। वर्तमान में पुलिस बल में उपनिरीक्षक के 9,027 पद, ताम्रतक आश्रित के रूप में 566 पदों को सम्मिलित करते हुए 9,593 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य सरकार की घोषणा के क्रम में 61 अग्निशमन केंद्र, 13 चौकी, 36 थाना, कुल 110 प्रशासनिक भवन, 35 ट्रांजिट हॉस्टल, 88 पुलिस महिला हॉस्टल, 30 पीएसी बैरक, 317 थानों पर हॉस्टल, कुल 470 अनावश्यक भवनों के निर्माण हेतु 1,260 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है।